नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिक लेके आऊँ जिसमें आप किसी भी दो नंबर को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसका न्यू आंसर निकाल सकते हैं बिना कुछ ज्यादा लंबा छोड़ा कुछ होश पोस मेहनत करके। चलिए तो शुरू करते हैं। जब मैं समझाऊंगा तो आपको लग सकता है कि थोड़ी बड़ी है, लेकिन जब आप उसको यूं सॉल्व करेंगे तो अपने से सॉल्व करें तो आप यूं सॉल्व कर देंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 × 15 की मल्टीप्लाई, तो इसका रूल समझ लीजिए कैसे करना। आपको त्रिया गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी, तो ऐसे करते हैं, पहले स्टेप ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 5 = 30 कैरी आए 3, ठीक है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 और 6 × 6 दोनों को ऐड कर दो और साथ में कैरी 3 तो कितना हो गया आपका ये 5 × 6 = 11 = 3 = 14। तो यहाँ पर 4 ले देंगे और कैरी कितना आएगा आपका 1, ठीक है। और फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 1 और ये 2, तो 240 आपका आंसर है। अब आपका नहीं पता नहीं क्या करवा दिया सर ने, बहुत सिंपल तरीका है। वो करना क्या होता है, पहले जब पहले आप आएंगे तो ऊपर नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई और तीसरे स्टेप में फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इतना सिंपल है। देखिएगा, जैसे एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, इस बार ध्यान से देखना। 6 × 5 = 30 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, 0 कैरी आया 3, कितनी ऊपर ले देंगे। अब क्या करना है, मेरे को क्रॉस करना है 5 × 5 और 6 × 6, 5 और 6 को ऐड करेंगे और साथ में कैरी, कितना हो जाएगा आपका ये 14, तो 4 लिखेंगे कैरी आएगा 1। अब लास्ट एक नंबर बचा है तो मल्टीप्लाई कर दी 1 × 1 और कैरी 1, तो आंसर आ गया 240। जैसे कि आप सॉल्व करेंगे तो यूं कर देंगे यूं, उसमें अभी आप सोच से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा नहीं हो। आपको मल्टीप्लाई करनी है 29 × 42 की, 29 × 42, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप दोनों का मल्टीप्लाई, 9 × 2 = 18 कैरी आया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 9 × 4 = 36 और कैरी 1, तो कितना हो गया 41, तो 1 यहाँ लिख देंगे कैरी आया आपका 4। अब क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = कितना हो जाएगा 8, 2 × 4 = 8 और 8 × 4 तो कितना हो जाएगा 12, 1 × 2 = 1 8, 1 × 2 = 1 8, सिंपल है, सिंपल आया समझ में, वेरी गुड। तो अब ये तो आपका 2 डिजिट का हो गया, अगर 3 डिजिट आती है, 3 डिजिट का आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना तो समझिएगा, बिल्कुल अपना दिमाग लगा लीजिए। एक बार यूं आपने समझ लिया तो गारंटी दे रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए आगे, अब आते हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन पे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई पहला स्टेप, तो 3 × 2 = 6 ध्यान से समझते जाइए। फिर दूसरी बार आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 = 12 और 2 × 2 = 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा कैरी बन जाएगा। तीसरी बार में क्या करना है, तीसरी बार में पहला और आखिरी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बड़ा वाला, तो इसमें बड़ा साइन बना दिया पहले और आखिरी का, इसका तो क्या होगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, 4 × 2 = 8 प्लस और साथ में बीच वाला जो नंबर होता है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 = 8 और कैरी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा आपका 8, 16, 6, 22, 23 तो कैरी कितना आएगा आपका 2 कैरी आया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे बाजू वाले, 2 × 2 = 4 और आपका 4 × 4 = 16 और साथ में 2 चल रहा है तो कितना हो जाएगा 20, 22 तो कैरी आई फिर से 2 और आखिरी में चल के फिर आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर ये आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं आपके नंबर, 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 10 तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया 10, 23 और 6। अब आपको देख के थोड़ा होश पोस और बड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एक बार, जब करके देखेंगे ना यूं आपको आ जाना ही। चलो मैं एक और क्वेश्चन बता दूं ताकि आपको और समझ में आए। हाँ जी, तो इसको मल्टीप्लाई करना 783 को 622 से मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 फिर इसके बाद क्रॉस करेंगे तो 8 × 2 = 16 और आपका 2 × 3 = 6 तो कितना हो जाएगा 22 तो कैरी कितना आ रहा है आपका, कैरी आपका 2 आ रहा है, तो 2 कैरी रख लेंगे। अब 3 का करेंगे तो देखो लास्ट वाले पर इसका मल्टीप्लाई 7 × 2 = 14 और 6 × 3 = 18 और साथ में 8 × 2 = 16 प्लस में 2 तो कितना हो जाएगा आपका ये
14, 16 आपका 30, 20, 50, तो कैरी आपका कितना आएगा, 5 कैरी आएगा। और आगे बढ़ेंगे इन दोनों का, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 7 × 2 = 14 और 8 × 48 = 48 कितना हो जाएगा आपका ये, और प्लस में कैरी साथ में 5 आएगा, तो आपका ये हो जाएगा 67 होगा। तो यहाँ पे 67 कैरी आया 6, फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6 = 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, तो आपका मल्टीप्लाई आएगा 48, 70, 26, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आ गई होगी 3 और 2 डिजिट की, आगे मैं आपको 4, 5 और 6 डिजिट की बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, जहां तक पॉसिबल हो वहां पर सबके साथ शेयर कर दीजिए। एक अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी और क्वेरीज हैं, अलग हैं, सब्जेक्टिव है, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है या मैथ्स फिक्स से रिलेटेड है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, फॉलो करें, वहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं आपके काम की। और अगर आपको और भी, अगर आप TikTok चलाते हैं तो प्लीज़ TikTok पर भी फॉलो करें, वहाँ पर भी बहुत शानदार कॉन्टेंट है। इसी तरह से वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।